सबसे पहले तो हमारे जवान जैसियों को एक बार मैं फिर कहना चाहूंगा कि हमारे पास फोन करते हैं साहब, कितना बढ़िया साहब वो चैनल में तो दिखाया जा रहा है, तो उन चैनल वालों को भी कहना चाहता हूं कि चंद एक रुपयों के लिए ये बल्ले बल्ले की खबर इतना मिल रहा है, लाखों मिलेंगे। अबे चूतियाओं, इस तरह की गलत खबर मत फैलाओ। आज आपका फर्ज बनता है फौज के नाम पर, जितने भी आर्मी फलाना डिगड़ा सैनिक और पूर्व सैनिकों के नाम पर अगर आप चैनल चला रहे हो तो आपका फर्ज है जवान जैशों के लिए। 20 तारीख को सबको बोलो कि भाई ज्यादा से ज्यादा लोग धरने में शामिल हों अपने हकों को हक के लिए। आज मैं आपको मेरी बताता हूं, पहली किस्त आई है 16,352, ठीक है, चार किस्त मिलेंगी इंटू चार, चार किस्त मिलेंगे मतलब 65,408 रुपए। ये हवलदार के लिए है और सिपाही का लगभग इतना ही आ रहा है सबका ही। अब आपकी कितनी बढ़ेगी, आपको 1,300-1,400 रुपए हमारी लगभग पेंशन बढ़ेगी, और इसमें भी ताली बजाएंगे हमारे कई लोग तो, क्यों कई लोग तो मैम साहब को क्यों शुरू से ही जिनको आदत पड़ी हुई थी मैम साहब की कच्ची चड्डी धो धो के जो नौकरी करके आ रखे हैं, जो अफसरों के बच्चों की पोटियां ही साफ करके नौकरी की है, जिन्होंने बूट पुलिस और सड़ा रसोई में सब्जी काटे हैं, जो बैठे रहते हैं दिल्ली आसपास शहरों में और लेह लद्दाख और ग्लेशियर का अलाउंस लेकर आए, जिन्होंने एडी पंजे पे नौकरी की ही नहीं, उनके लिए तो ये भी बहुत बड़ी है। वो कहते हैं कि हमारे तो माई बाप हैं अफसर, इतना भी मिल रहा है तो हमें बहुत अच्छा है। अरे इन्हीं माई बापों ने आज अगर किसी जितनी हम सर्विस करके आ रखे हैं 17-18 साल, अगर उतना कोई अफसर करके आ रखा होगा उसकी हमारे से 10 गुना ज्यादा बढ़ा दी गई है, किसी को पता नहीं है इस चीज को। ओआरओपी निश्चित की गई थी कि ओआर श्रेंक के लिए, क्योंकि ये कम उम्र में रिटायर्ड हो जाता है, इसलिए इनको ज्यादा से ज्यादा दिया जाए ताकि इनका जीवन पोषण भरण पोषण हो सके। जो पेंशन थी पहले 70% जवान को मिलती थी और अफसर के लिए 30% थी, 30 या 35%। इन्होंने अपनी बढ़ा बढ़ा के क्यों इनको आगे करते रहे, इन्होंने अपना 50 कर लिया और हमारा भी 50 कर दिया, डाउन कर दिया। फिर ओआरओपी में मैं फिर कहता हूँ कि रविंद्र फौजी सल्यूट करता है, जय हिंद उन अफसरों को जो पहले खानदानी अफसर थे, फौज से पैसा नहीं लेते थे, एक एक रुपये में नौकरी करने वाले ऐसे ऐसे अधिकारी थे या कैसे भी की, लेकिन वो हमेशा जवानों के बारे में सोचते थे। और उन्होंने उस समय ओआरओपी के लिए किया था, बनाया था कि भाई इस ओआर श्रेणी को मिले, लेकिन अब खानदानी अफसर तो रहे नहीं, अब तो ऐसे आगे अपने रैंक के फायदे के लिए 4 साल की अग्निवीर योजना को स्वीकार कर लिया, कोई CDS बनने के चक्कर में, कोई राज्यपाल बनने के चक्कर में, कोई MP MLA बनने के चक्कर में, अब तो सिर्फ अपनी तिजोरी भरना और इन नेताओं की तिजोरी भरना, ये दो काम ही रह गए हैं इनके लिए। ये आर्मी अफसर सेना के कोई भी चाहे आर्मी एयरफोर्स नेवी, वैसे तो खैर भट्टा बैठ रखे पूरे देश का किसी भी फोर्स में, सेना हो पैरामिलिट्री फोर्स हो या पुलिस फोर्स में, गोलियां खाने के लिए जवान है। कहीं भी आप देखोगे पुलिस का जवान दिन भर दौड़ रहा है, चाहे पैरामिलिट्री फोर्स का और चाहे सेना का, गोली खाने वाला जवान, काम करने वाला जवान और मेडल नहीं मिलता है इनको बैठे बैठे दिमाग चलाने में, दिमाग चलाने में ही इनकी तनख्वाह दी जा रही है। बात करते हैं हम विदेशों की तर्ज पे, अभी एक बार झांक कर देखो जहां से तुम ये योजना लेकर आए हो वहां चेयरपर्सन की कम है और ग्राउंड में काम करने वाले की पेमेंट ज्यादा है, लेकिन उस पर किसी आरामखोर के मुंह से बातें नहीं निकलेंगी। क्यों, आप तनख्वाह कम होते ही तो इनकी सारी ये रैंक निकल जाएगी, वहां लोगों को रैंक इज्जत के लिए दी जाती है और तनख्वाह कम मिलती है, लेकिन यहां तो ऐसे लोग रखे हैं बोले रैंक जाए भाड़ में, हमें तो सिर्फ तनख्वाह बढ़ा दो साहब। हमारे भी ओआरएस रैंक में भी है, ऐसे मैं नहीं कह रहा, ओआरएस रैंक में भी है, बोले साहब बाउंड्री कैप्टन बना दो, चाहे आज भी मैडम की कच्ची धुलवा दो, सुबदार मेजर भी बोलेगा साहब मैं धो दूंगा लेकिन मेरे को बाउंड्री मिलनी चाहिए। एक समय था सुबदार मेजर बनने के लिए कितनी काबिलियत होती थी लोगों में, लेकिन अब तो मैडम का गेट खोलना, आओ मैडम, देश की आधी से ज्यादा नफरी किसी भी फोर्स की इन अधिकारियों के घरों में अननेसेसरी काम कर रही है, चाहे वो सहायक प्रथा में, चाहे इनकी बर्थडे पार्टियों में, चाहे इनके रिश्तेदारों की शादियों में, लेकिन किसी को ध्यान नहीं है। ये बजट बजाएंगे सिर्फ जवानों के ऊपर उनके कटौती करके,
लेकिन मैं फिर कह रहा हूं, इनको तो हम ध्यान दें ना दें, हमारे सैनिकों से कहना चाहता हूं,